हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम डी हेल्प में। एम डी की तरफ से 12 नए रिजल्ट आज जारी किए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्स और कौन कौन से सेमेस्टर के आज रिजल्ट आए हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर ले, जिससे एम डी से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रिजल्ट आया है, बी कॉम वोकेशनल के जो स्टूडेंट है, पाँचवें और छठे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, आपका रिजल्ट आ चुका है। आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके आप सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो रिजल्ट है, बी कॉम ऑनर्स के पाँचवें और छठे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट, आपका भी रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद अगला जो रिजल्ट है, बी कॉम जनरल के पाँचवें और छठे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट, आपका रिजल्ट आ चुका है। ये सारे रिजल्ट आ जाए हैं। इसके बाद पी एच डी कोर्स वर्क के जो स्टूडेंट है, आपके भी पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। मास्टर ऑफ फार्मेसी के जो स्टूडेंट है, आपके भी पहले और दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एम फार्मेसी के जो स्टूडेंट है। इसके बाद मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट, आपके भी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के चौथे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट, आपका भी रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद जो लास्ट रिजल्ट है, बीएससी होम साइंस के पाँचवें और छठे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। टोटल आज 12 रिजल्ट जारी किए गए हैं एमडीयू की तरफ से 27 जून 2024 को। रिजल्ट चेक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे इस विंडो पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आपको रोल नंबर एंटर करना है, फिर प्रोसीड नाउ पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो गया है, तो आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। इसके अलावा अगर आपको पास ओरिजिनल जीटी या फिर आपके रिजल्ट में आरएलई पास ओरिजिनल इनमें से कुछ भी दिखा रहा है, इनके ऊपर सभी के ऊपर डिटेल वीडियो है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये जितने भी आज रिजल्ट आए हैं सभी रिजल्ट रेगुलर स्टूडेंट के हैं, डिस्टेंस स्टूडेंट के अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आए हैं। जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। रिजल्ट की कोई फिक्स डेट नहीं होती है, जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है फिर भी तो आप रिजल्ट ब्रांच जाकर पता कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।